अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है तो आपका जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर क्या हो जब मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ना तो मोदी जी कुछ कर सकते हैं और ना ही कानून, और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीजेपी से गोंडा केसरगंज के MP और पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह है। और ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से भारत को इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित करवाने वाले रेसलर्स ने पिछले 2 महीने में दिल्ली में प्रोड्यूस किया है। लेकिन ऐसा क्या है ब्रजभूषण सिंह में कि मोदी सरकार भी ब्रजभूषण सिंह का कुछ नहीं कर सकती, तो जानते हैं इस बारे में। मेरे मन में एक प्रश्न तो उठ रहा है, मोदी जी इसको क्यों बचा रहे हैं? ये प्रश्न आज पूरे देश के अंदर उठ रहा है। आप प्रधानमंत्री जी से आप हमारी बात करवा दो, गृह मंत्री जी से बोलो हमें बुला लें, हमारे न्याय दिलवा दो, हम कौन से हमारा कैरियर हमारी जिंदगी दांव पे लगा के बैठा। और इस प्रोडक्ट को लीड कर रहे हैं भारत के मुख्य रेसलर बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, जिसमें साक्षी मलिक का तो ये भी कहना है कि जिन्होंने मेडल आने पे इतना मान सम्मान प्यार दिया था, घर बुलाया था, और अब वो इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी का ब्रजभूषण सिंह का साथ देने के 2 मुख्य कारण है। पहला वैल्यू ऑफ ब्रजभूषण सिंह, दूसरा पॉलिटिक्स। और पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ब्रजभूषण सिंह के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ब्रजभूषण सिंह गोंडा केसरगंज के MP हैं, और ये गोंडा में इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि जब भी ब्रजभूषण सिंह इलेक्शन लड़ते हैं तब इलेक्शन में उन्हीं की जीत होती है। इसलिए 1990 से लेकर आज तक वो ही गोंडा के 6 बार MP बन चुके हैं। और ब्रजभूषण सिंह एक पॉलिटिशियन होने के बावजूद भी इतने ज्यादा गुस्सैल हैं कि आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में कि वे किस तरह ऑन स्टेज एक लड़के को मारने लगते हैं। और मार खा रहा है इस लड़के की गलती सिर्फ इतनी है, ब्रजभूषण सिंह की एकेडमी में ही रेसलिंग की प्रैक्टिस करता है और सिर्फ अपनी समस्या बताने के लिए स्टेज पर गया था, जिस पर ब्रजभूषण सिंह इतने ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि इस लड़के को ऑन स्टेज मारने लगते हैं। लेकिन ये लड़का ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जाने के बजाय उनके समर्थन में कहता है कि बताऊं, सोशल मीडिया पे जो थप्पड़ मारने का वीडियो चल रहा है उसे मैं देखा, मुझे बहुत दुख हुआ, और नेताजी मेरे पिता तुल्य हैं और मुझे बहुत मानते हैं। और इतना ही नहीं, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ चोरी, दंगा और हत्या ऐसे 40 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं जिन पर कोई ध्यान ही नहीं देता। और इस बात को खुद ब्रजभूषण सिंह अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं, जीवन में मेरे हाथ से 1 हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहे मैंने 1 हत्या की है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का खौफ यही खत्म नहीं होता, क्योंकि गोंडा के लोगों का कहना है कि ब्रजभूषण सिंह यहाँ इतने ज्यादा पावरफुल है कि ब्रजभूषण सिंह इलेक्शन किसी भी पार्टी से लड़े जीत उन्हीं की होगी, और गोंडा के लोगों के इलेक्शन पार्टी सिर्फ एक इलेक्शन सिंबल से कुछ नहीं है। यानी ब्रजभूषण सिंह जिस भी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे गोंडा जनता उसी पार्टी पर आंख बंद करके वोट देगी, और इन्हीं वोट्स को पाने के लिए मोदी ब्रजभूषण सिंह का साथ दे रहे हैं। और ब्रजभूषण सिंह के साथ देने का दूसरा कारण है पॉलिटिक्स। अगर आपने रेसलर पॉडकास्ट पे ध्यान दिया हो तो आपको मालूम होगा कि बीजेपी के हर अपोजिट पार्टी के रेसलर पॉडकास्ट से जुड़े हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस से प्रियंका गांधी और बहुजन समाज पार्टी से मायावती। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं किया, और ये पार्टी किसी और की नहीं बल्कि अखिलेश यादव की सपा है। और अखिलेश यादव के ऐसा करने का कारण है अखिलेश यादव और ब्रजभूषण सिंह के बीच की दोस्ती। इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी है कि ब्रजभूषण सिंह बीजेपी छोड़कर सपा को भी ज्वाइन कर सकता है। अगर ब्रजभूषण सिंह सपा ज्वाइन कर लेते हैं तो जो वोट्स पहले बीजेपी के थे वो सपा को जाएंगे, और इसी नुकसान को रोकने के लिए मोदी जी ब्रजभूषण सिंह का साथ दे रहे हैं। अब शायद आपको समझ में आ ही चुका होगा कि मोदी ब्रजभूषण सिंह का साथ क्यों दे रहे हैं। अब बस यही हमारे वीडियो का एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।